Assalamualaikum and hello everyone. I hope you all are doing really well. आज इस एक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चार डिफरेंट फ्लेवर्स के पिज्जे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी होने वाले हैं, तो आप इनमें से एक फ्लेवर जो भी आपको पसंद आए ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले लिया है, जिनको हमने इस तरह से बाइट साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है, ठीक है ना, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो एक टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, एक टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे, दही हमारी खट्टी होनी चाहिए, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर, और साथ ही में 2 टेबलस्पून भर कर हम इसमें टिक्का मसाला ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और 1/2 नींबू का रस हम इसमें पूरा ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे एज पर टेस्ट। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। 1/2 घंटे के बाद ये मैरिनेट हो जाएगा, फिर हम इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर पैन में हम 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर देंगे और जो हमारा मैरिनेटेड चिकन है टिक्का मसाला वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसको कुक करेंगे। तो इसको हमें कम्प्लीटली कुक कर लेना है, ठीक है ना, पूरा के पूरा चिकन को हमें गला लेना है और इसको हमें पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है, ठीक है ना। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके कम्प्लीटली कुक करेंगे, लेकिन इसमें थोड़े से जूसीस रहने चाहिए। बीच बीच में आपको इसको 1 से 2 बार चलाते रहना होगा। इसको हमें हल्का सा गीला रखना है ताकि हम जब इसको पिज्ज़े के ऊपर अप्लाई करें तो इसमें जो थोड़े से सॉसेस है, जूस है, वो रह जाए, तो हमें अलग से किसी भी तरह की सॉस अप्लाई करने की ज़रूरत ना रहे। तो इसलिए इसको पूरा ड्राई नहीं करेंगे, थोड़े से जूसेस चिकन के और मसालों के हम इसमें रहने देंगे। बस ये कुक हो जाएगा, फिर इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब हम पिज्ज़े को असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रेडीमेड वाला पिज्ज़ा बेस लिया है, आप चाहो तो होममेड भी बना सकते हो। और साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मोज़रेला प्लस चेडर चीज़, ये दोनों में हाफ हाफ इस्तेमाल करूँगी। आप चाहो तो सिर्फ मोज़रेला या सिर्फ चेडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऊपर हम हमारा चिकन ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चिकन अभी ड्राई लग रहा है, बट आप इसको जब ओवन में ऐड करोगे तो इसके जूसेस अगेन रिलीज होंगे, तो ये हमारा जो ब्रेड है पिज्ज़ा बेस फिर से मॉइस्ट हो जाएगा। इसके ऊपर हम थोड़े से प्याज ऐड करेंगे रफली चॉप किए हुए, और शिमला मिर्च ऐड करूँगी। आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी की सब्जियाँ इस पर ऐड कर सकते हो डेफिनेटली। अगर आप चाहो तो थोड़े से सॉटेड वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पर कच्चे इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही मैं ऊपर थोड़ा सा और चीज़ ऐड कर देंगे, अपने मर्ज़ी के हिसाब से आप चीज़ ऐड करें। और इसके ऊपर मैं यहाँ पर मेयो ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप फ्लेवर वाला मेयो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, तंदूरी टिक्का जो फ्लेवर्स होते हैं वो ऐड कर सकते हो। मैं बस बाकी के फ्लेवर्स को इन्हेंस करने के लिए, हल्का सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें सिर्फ मेयो इस्तेमाल करूँगी और साथ ही मैं चिली फ्लेक्स। अगर आप चाहो तो इसमें ओरिगनो वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे उसका टेस्ट कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा फ्लेवर हम बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स चिकन में 2 टेबलस्पून दही ऐड किया है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून हरी मिर्च का इसमें पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर हम मच्छी मसाला फ्लेवर बना रहे हैं, ठीक है ना, जो हम मच्छी के ऊपर मसाला लगाते हैं वो वाला फ्लेवर हम बना रहे हैं। 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून काली मिरी का पाउडर, काली मिर्च पाउडर। और यहाँ पर मैंने थोड़े से हरे धनिए को, आधा मुट्ठी हरे धनिए को हमने इस तरह से ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा सा पानी ऐड करके वो ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 1/2 नींबू का रस ऐड कर देंगे इसमें। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करेंगे 1/2 घंटे के लिए। और यहाँ पर जैसे ही ये मैरिनेट हो जाएगा हम हमारे चिकन को कुक कर लेंगे। तो 2 टेबलस्पून ऑयल हमने गरम कर लिया है,
अब हम हमारा चिकन ऑयल में ऐड कर देंगे। ये जो मच्छी मसाला फ्लेवर है ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। और इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने टिक्के को बनाया था, कम्प्लीटली कुक करेंगे लेकिन इसमें थोड़े से जूसेस रहने देने हैं, पूरा ड्राई नहीं करना है। तो कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको भी कुक कर लेंगे। सी इस तरह से हमने इसको भी पूरी तरह से कुक कर लिया, आप देख सकते हो थोड़े से जूसेस अभी भी इसमें बाकी है। इसको भी हम ठंडा कर लेंगे और जैसे ही ठंडा हो जाएगा हम इसकी असेंबली करेंगे। तो इसकी असेंबली भी बिल्कुल हम टिक्का फ्लेवर वाले की तरह ही करेंगे, बस थोड़ा सा नीचे मैंने मेयो लगाया है और फिर हमने इस पर चीज़ स्प्रेड किया है। फिर हमने हमारा जो टिक्का फ्लेवर का चिकन था वो डाल दिया है, साथ ही में थोड़े से प्याज, थोड़े से शिमला मिर्च और अगेन ऊपर से थोड़ी सी मेयो। इसमें भी आप फ्लेवर वाली मेयो इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल ग्रीन चटनी वाली मेयो बना के भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और ब्लैक पेपर पाउडर के साथ मैं इसको गार्निश करूंगी। इसमें हम चिली फ्लेक्स ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो इसमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। पेपर पाउडर या फिर भुना कुटा जीरा आप इसमें डाल सकते हो। यहाँ पर दोनों फ्लेवर हमारे बन के रेडी हो गए हैं। ओवन को मैंने पहले से प्रीहीट करके रखा था, अब हम इनको बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट्स के लिए। आप बीच बीच में एक से दो बार चेक कर लेना, अगर इसका क्रस्ट ब्राउन नहीं हुआ हो तो आप थोड़ा सा और मज़ीद इसको बेक कर ले। और इसको हमें अच्छी तरह से इसके क्रस्ट को ब्राउन करना है और ऊपर से इस तरह से हल्के हल्के से ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे। और यहाँ पर हमारे दोनों ही फ्लेवर, टिक्का फ्लेवर और मच्छी मसाला फ्लेवर, दोनों ही बनके बहुत ही डिलिशियसली रेडी हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। ये बहुत ही चीज़ी, क्रीमी और स्मूथ बनते हैं, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। आपके घर में आपके बच्चों को, सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। सो डू ट्राई दिस रेसिपी। बिल्कुल बाजार जैसे बहुत ही मज़े का ये बनके रेडी हुआ है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। पर्सनली मेरा जो फेवरेट है वो मच्छी मसाला है, मैं अपने घर में काफ़ी बार ये बनाती हूँ। ये मसाला जो हम मच्छी पर लगाते हैं वही मसाले को हमने अप्लाई करके हमने चिकन में बनाया है, ये बहुत ही डिलिशियस बनता है। मेरा पर्सनली ये बहुत फेवरेट है, तो आप इसको एक बार बनाना, ज़रूर ट्राई करना इसको। इन चारों में से कोई भी फ्लेवर अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो बताई गई जितनी भी क्वांटिटी है मसाले की आपको उनको सिंपली डबल कर लेना है अपने चिकन के हिसाब से। एंड लुक एट दिस, बिल्कुल डिलिशियस, टेम्पटिंग और चीज़ी। जो स्टार्टिंग के तीन फ्लेवर है वो मैं आपको ओवन में बेक करके बताऊँगी, जो लास्ट फ्लेवर होगा वो हम तवे पर बेक करेंगे, ठीक है ना। को एक आइडिया भी हो जाएगा कि ओवन और तवे पर बेक करने में क्या डिफरेंस आता है। थर्ड फ्लेवर है मलाई चिकन, जिसके लिए यहाँ पर 250 ग्राम्स चिकन में हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च और 3 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। इसको क्रीमी भी बनाना है इसलिए दही ज़्यादा ऐड की है। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही में 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून अच्छे से क्रश करके कसूरी मेथी ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे एज पर टेस्ट और साथ ही में इसमें क्रीमीनेस लाने के लिए हम 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, जो अमूल की फ्रेश क्रीम होती है ना वो हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको भी हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन से फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, तो कम से कम आधे घंटे आप मैरिनेट ज़रूर करना। ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कढ़ाई में, जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें हमारा चिकन ऐड कर देंगे और इसको भी हम बिल्कुल पिछले वाले चिकन की तरह ही कुक करेंगे, ठीक है ना। लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर करके कुक करेंगे, चिकन पूरी तरह से कुक करेंगे। बस फर्क इतना है कि इसमें हमें थोड़े से जूसेस को रहने देना है, इसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना है। ये इस तरह से कुक हो जाएगा तो बस हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा हम इसकी असेंबलिंग करना स्टार्ट कर देंगे और असेंबलिंग भी हमें बिल्कुल पिछले वालों की तरह ही करनी है, ठीक है ना। पहले हमने क्रस्ट पर चीज़, मेयोनीज ऐड किया, फिर चिकन ऐड किया, फिर हमारे प्याज और शिमला मिर्च ऐड की, फिर मेयो ऐड किया और थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड करूँगी, ठीक है।
और बस यहाँ पर हमने इसी को भी सेम तरह से बेक किया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर ये भी हमारा बनके रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, उसके ऊपर हल्का सा ब्राउन क्रस्ट आया था, ये हमें ओवन में ही मिलेगा। मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ये ब्राउन क्रस्ट तवे पर क्यों नहीं आता है। फिलहाल मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये जो है ये बहुत ही क्रीमी बना था। आपको ये तीनों फ्लेवर बहुत ही डिस्टिंक्टिव, आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये डिलीशियस होंगे। लेकिन तीनों आपस बिल्कुल ही क्लैश करेंगे, तीनों का बहुत ही अलग सा डिस्टिंक्टिव फ्लेवर है। तो इसको आपको एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना है। और ये देखिए बिल्कुल क्रीमी सा ये बन के रेडी हुआ था। अब हम हमारा नेक्स्ट फ्लेवर बनाएंगे जो है हमारा शेजवान चिकन, जिसके लिए अगेन 250 ग्राम्स चिकन में 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, और साथ ही में 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और साथ ही में यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है एज पर टेस्ट। लेमन जूस ऐड करेंगे, आधे नींबू का रस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमें बॉईल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ठीक है ना, 1/4 कप जितना, ताकि ये तले में लग ना जाए और अच्छे से बॉईल हो जाए, अच्छे से गल जाए। और इस तरह से हमें इसको कम्प्लीटली गला लेना है, ठीक है ना। सिंपली हम जिस तरह से बॉईल करते हैं उसी तरह से हमें मसालों के साथ इसको बॉईल करना है। ये जैसे ही ठंडा हो जाएगा हम इसके रेशे कर लेंगे। इस तरह से हमें इसको श्रेड कर लेना है और मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको फ्लेवर देंगे तो 3 टेबलस्पून सेजवान सॉस मैंने इसमें ऐड किया है, और साथ ही में 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ ऐड किया है क्रीमीनेस के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग सॉसेज ऐड कर सकते हो। साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया फाइनली चॉप करके, 1/2 कप ऑनियन ऐड करेंगे रफली चॉप करके, और 1/2 कप ही शिमला मिर्च ऐड करेंगे हम। मसाले, मिर्च और सारी वेजीज आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल कम या ज़्यादा कर सकते हो। चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें, जो है सिर्फ मिर्च मसाले जो है वही थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, अदरवाइज आप इसमें वेजीज अपने हिसाब से ऐड डेफिनेटली कर सकते हो। इसको भी हम असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा बेस ले लिया है और इसके ऊपर हम इसको सिंपली लगा देंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्टिकी और सॉसी है तो हमें मेयो लगाने की और या फिर चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और बस इसके ऊपर हम सिंपली जो हमारा चीज़ है वो अच्छे से फैला लेंगे इस तरह से, और ऊपर से थोड़ी सी क्रीमीनेस के लिए मेयो ऐड कर देंगे, और फाइनली हम इस पर गार्निश करेंगे चिली फ्लेक्स। और इसको मैं आपको तवे पर बेक करके दिखाऊंगी। ये बिल्कुल रेडी है। अब चलिए तो इसको बेक करेंगे। तो हमने जो है तवा रख दिया है, तवे को हमें स्टार्टिंग में बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है, ठीक है ना। चूल्हा मैंने अभी ऑन नहीं किया है, पहले हम पिज़्ज़ा बेस रखेंगे और इसको कवर कर देंगे, फिर बिल्कुल धीमी आंच बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे, ठीक है ना। हमें इसको जब तक कुक करना है जब तक जो इसका क्रस्ट है नीचे से वो कम्प्लीटली पक ना जाए, ठीक है ना, रेड सा कलर आ जाएगा इसके क्रस्ट में, रेडिश ब्राउन, तब तक हम इसको कुक करेंगे। जैसे ही इसका क्रस्ट ब्राउन हो जाएगा हम फ्लेम को बंद कर देंगे और चीज़ को मेल्ट हो जाने देंगे। 5 से 10 मिनट ऐसे ही फ्लेम बंद करके छोड़ देंगे और चीज़ अपने आप ही इसकी गर्मी से इस तरह से मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा तवे वाला पिज़्ज़ा भी बन के रेडी है, ठीक है ना। जिनके पास ओवन नहीं है वो इसको आराम से बना सकते हो। आप देख सकते हो फ़र्क इसमें सिर्फ इतना होता है कि ऊपर से जो है इसका ब्राउन कलर नहीं आता है और इसकी जो साइड्स है वो ब्राउन नहीं होती। ओवन में ऊपर जो है रॉड्स लगी होती है इसलिए इसका जो क्रस्ट है वो ब्राउन हो जाता है। आजू बाजू सभी तरफ से अच्छी तरह से गर्मी मिलने की वजह से जो है पिज़्ज़ा ओवन में सभी तरफ से ब्राउन होता है। तवे पर सिर्फ नीचे से ही गर्मी मिलती है इसलिए सिर्फ क्रस्ट इसका पकता है, ऊपर से चीज़ सिर्फ मेल्ट होता है, ब्राउन कलर नहीं आता है। ये बिल्कुल पक जाएगा, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, अभी मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए ये कम्प्लीटली कुक्ड है, ठीक है ना, सिर्फ इसका ब्राउन क्रस्ट नहीं हुआ है। तो आप इसको बिल्कुल तवे पर भी बना के रेडी कर सकते हो। तो आपको इन चारों में से कौन सा फ्लेवर पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप कौन सा ट्राई करोगे ये भी मुझे ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपीज़ मेरी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर करना।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।